फ्रैंक, मेरा नाम है मंजीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एम के फन एंड फ्रैंक। दोस्तों, हमने आपको पिछले वीडियो में अपने गांव का विशाल मेला दिखाया था। सो गाइस, हमने आपको ये भी बताया था कि हम रात के प्रोग्राम में हमारे यहाँ जो कि काफ़ी विशाल जागरण का आयोजन हुआ था और जागरण अभी चालू है जो कि पिंटू शर्मा रायबरेली के महान गायक आए हुए हैं। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हो वहाँ पे पीछे जो कि जागरण चालू है, अभी हम आपको वहाँ चल के जागरण दिखाते हैं। तो वीडियो में बने रहेगा दोस्तों, वीडियो बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि दोस्तों अभी रात हो चुकी है, हम यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं और अभी हम चलते हैं वहाँ पे, आपको दिखाते हैं जागरण का आनंद लीजिए दोस्तों। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चलते हैं आगे आपको दिखाते हैं वहाँ पे। आने की खुशी में मैया मेरा दम निकल न जाए और तमाम चीजों की फीकी नुमाइश ये गुलशन हटा दो, तमाम चीजों की फीकी नुमाइश ये गुलशन हटा दो। अरे जिधर से गुजरे मेरी शेरवाली उधर मेरे सीने की धड़कन बिछा दो। बोल सच्चे दरबार की, और एक बार दिल से अपने अपने दिल पे हाथ रख के और दिल से माँ के चरणों से जुड़ने का प्रयास कर लीजिएगा। एक बार दोनों आंखों को बंद करके एक बार जुड़िएगा, आपको लगेगा कि आज वैष्णो माता साक्षात दीवारा ग्राम सभा में उतर आई है। एक बार दोनों आंख बंद करके बस यही बोलिएगा, मेरी आन रखना विकास दुबे नाम है डॉक्टर साहब। अच्छा, लोग हंस रहे हैं। उधर से भैया आदेश है, उधर से जो अंधेरे का फायदा उठा रहे हैं उनका आदेश है, एक बार उधर से ताली आ जाए। क्या बात है, कोई दीवान कहता है कोई पागल समझता है, मगर भक्तों की बेचैनी को बस माता समझती है। और सच्चे दरबार की, तो एक एक मिनट के लिए आइए चलते हैं, गणेश भगवान को बुला लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सत्य सनातन धर्म में कोई भी कार्यक्रम, कोई भी मांगलिक अवसर जब हमारे घर में आता है, कोई भी चाहे छोटी सी कथा भी क्यों ना हो, तो सबसे पहले किसको पूजा जाता है? महेश को। महेशवा कौन है? किसको? गणेश बेईमान कहाँ? कौन गणेश बेईमान? अरे गणेश बेईमान नहीं भैया, गणेश भगवान की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि मुंडन हो, छेदन हो, मांगलिक अवसर हो, आप प्रेस में जाते हैं कार्ड छपवाने के लिए, नाम पता, बच्चे का नाम, मुंडन करने वाले का, ब्याह करने वाले का नाम तो आप दिलाते हैं, लेकिन एक चीज कार्ड वाला अपनी तरफ से छापता क्या? श्री गणेश आए। जब कोई चीज का श्री गणेश आगाज अच्छा होता है तो अंजाम अपने आप ही अच्छा हो जाता है ना। बोलिए गणेश भगवान की। और एक चीज और बताइए आप, गणेश भगवान की सबसे ज्यादा भारतवर्ष में पूजा कहाँ पे होती है? सबसे ज्यादा कौन पूजता है, कौन से प्रदेश है? महाराष्ट्र। देखिए उधर से आवाज आ रही बम्बई, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं? गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। तो सबसे ज्यादा अगर भारतवर्ष में गणेश भगवान की कहीं पूजा होती है तो मुंबई में, और दुर्गा जी का अगर सबसे ज्यादा कहीं पूजन पाठ होता है तो कहाँ? बंगाल में। कहाँ पर? बंगाल में। आपको याद होगा जो आप मूर्ति सजाने के लिए लाते हैं वो बंगाली कारीगर होते हैं जो बनाते हैं ना, एक बार उनके लिए तालियां बजाइए जिन्होंने इस आस्था को जिंदा रखी है। आइए चलते हैं दो लाइन में, क्योंकि झांकी बिल्कुल रेडी है। और क्या कहना है? दोबारा नंबर लगे कि ना लगे हमारा, अब पता नहीं हम रहे कि ना रहे, किसी का कोई भरोसा है? है कोई चीज की गारंटी है नहीं, है ना? तो इसलिए ये हाथ क्यों उठवाए जाते हैं पता है आपको?
जब हम स्कूल में जाते थे तो नाम बोलते थे ना, पिंटू, यस सर, कहें जी गुरु जी, हाजिरी लगती है। इसी तरह से ये दुर्गा माता का दरबार है, और जब भी कोई कलाकार आए, कोई कलाकार आए और जब जयकारा बुलवाए तो हाथ उठा के जयकारा बोलिएगा, फिर नीचे कर लीजिएगा। ये क्या है कि आप दरबार में उपस्थित हैं। आज हमारा टीचर, हमारी गुरु जी कौन है? हमारी माता रानी, और हम सब उनके शिष्य हैं। और जो हाथ उठा के जयकारा नहीं बोलेगा, माता रानी समझ लेगी कि ये लोग घंटा कटिंग कर रहे हैं, पीछे वाले बाउंड्री फांद गए हैं। ठीक है, तो घंटा कटिंग ना करिएगा दरबार में। जब भी जयकारा बोला जाए, जयकारा बोलते रहिएगा, बोल सच्चे दरबार की। हाँ, ऐसे हाथ उठा के, क्योंकि बिगड़ी हुई रेखाएं जिसको बनाना, हाथ उठा के बोलिए, बोल सच्चे दरबार की। और क्या कहना है? हाँ बेटा, छोटू भैया, माँ शारदे प्रिंटर्स एवं डेकोरेशन, हमारे यहाँ शादी मुंडन कैलेंडर, बैनर, पोस्टर, पर्चा, विजिटिंग कार्ड इत्यादि। आज अगर आप अपनी शादी का कार्ड छपवाना चाह रहे हैं, जिसकी शादी अभी नहीं तय हुई है, उसके लिए भी ऑफर है, जाके छपवा लीजिए, फिर आप कार्ड छापेंगे। एक बार ताली बजाइए इनके लिए। जिसकी जिसकी शादी तय नहीं है, उसका कार्ड आज फ्री में छापेंगे। जिसको जिसको ये ऑफर का लाभ उठाना है, तुरंत संपर्क करें सत्सुधन लोधी भैया। और इन्होंने इतनी असरफियां दे दी हैं, आज बहुत दिन बाद असरफी देखने को मिली, हम बताएंगे नहीं, बहुत ज्यादा है। आइए पीटू भैया, ये असरफियां रख लीजिए, आइए। और क्या कहना है कि मुंबई का राजा है, मुंबई का राजा है, भारत का महाराजा, देवारा ग्राम सभा भी, बाबा तू आ जा जा। मुंबई का राजा है, भारत का महाराजा, और आज देवारा ग्राम सभा में गणपति बाबा आज आ जा, बुलाना है, आज बुलाना है ना यहाँ गणपति बप्पा को। 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन हुआ, और साथ ही साथ गणेश भगवान को कैसे बुलाना है कि मुंबई का राजा है, भारत का महाराजा, किसका हलाल? पार्वती का है मेरा। वाह, एक बार इन बच्चों के लिए ताली बजाओ। ये दोनों लाल टी-शर्ट वाले जैसे ही गाना बिल्कुल स्पीड पकड़ लिए ताली बजाने में, ये इधर नहीं बजा लेकिन इनके लिए बहुत ईमानदारी से बजा रहे हैं। पार्वती का है लाल मेरा, किसका लाल है? शंकर का नहीं है? ये बात ताली बजाओ। पार्वती का इधर से कोई ताली नहीं बजाएगा, अगर बजाएगा ना तो उसकी माताओं बहनों में हम गिनती। हाँ, अभी फिर भी भैया आएंगे तो बताएंगे आपको। क्या भैया, किसका लाल है? गणेश भगवान किसके पुत्र हैं? एक एक लोग बताओ। बेटा यहाँ आओ बिटिया, ये बेटियां सबसे नसीब में कहाँ होती हैं? आइए बिटिया के लिए जोरदार ताली बजाइए। ये जो बेटियां हैं, पीछे भैया सुनते रहिएगा, पीछे तो आंख है नहीं, ये बेटियां सबके नसीब में कहां होती हैं? बेटियां सबके नसीब में कहां होती हैं? ये माता रानी जहां चाहती है सिर्फ पैदा, वहां होती हैं। ऐसे ऐसे भी घर देखे जहां बेटियां नहीं, बेटों की लाइन लगी है कई पीढ़ियों से, बेटे बेटा बेटियां नहीं। तो एक बार इस बिटिया के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और ये बिटिया प्यारी, इस बिटिया बेटा क्या नाम है? प्रीति। किस क्लास में हो बेटा? 2 साल से स्कूल गई। ये कोरोना काल में कौन सा स्कूल खुला रहा बेटा? खुला था क्या? अच्छा, गणेश भगवान किसके पुत्र हैं? और पापा का नाम उनके बप्पा का नाम? हाँ, जोरदार तालियां बजाइए बच्चों में। जब तक
बच्चों में आप संस्कार नहीं डालेंगे। पिंटू भैया हमको लग रहा विलंब हो रहा है, एक तो हमको माइक पकड़ा देते बड़ा टाइम लगता है हमें, लेकिन हमको टाइम देते नहीं, हमारा घंटा कटिंग करा देते। बच्चों में अगर आप संस्कार नहीं देंगे अभी से तो ये आगे चल के बहुत बिगड़ैल हो जाएंगे, इसलिए आध्यात्मिक आयोजन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जहाँ बारिश नहीं होती रज्जन भैया, जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं, और जहाँ ऐसे आध्यात्मिक आयोजन नहीं होते वहाँ की आने वाली नस्लें खराब हो जाती हैं, आने वाली नस्लें खराब। तो ऐसे ऐसे बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाइए इनको अभी से। क्यों? क्योंकि आप पैसा खर्च करके स्कूलों में डिग्रियां ले सकते हैं, अपने बच्चों को आईएएस पीसीएस बना सकते हैं, इंजीनियर बना सकते हैं, लेकिन जो संस्कार होते हैं वो अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने कुल, अपने गांव, अपने समाज से मिलता है। अगर हमारी बात सही हो तो एक बार हमारी जोरदार ताली बजा दो, ठीक है? और किसके बच्चे हैं? पार्वती का है लाल मेरा गणपति बप्पा। थोड़ा सा गा दो भैया हमारी आत्मा की शांति के लिए। पार्वती का है लाल मेरा। अब है इनका ढोलक दे दी जाए तो कैसे बजेंगे गुड्डू भैया कहीं बता दो। भैया तू अरे भैया तू अरे अनहा लंगड़ा कोड़ी बचपन से सुन रहे नब तक हमका मिले नहीं नहीं। हमारी भी मम्मी वगैरह जब घर में ऐसे कीर्तन होते थे, लेकिन सही है जो भिखारियों की लाइन होती, जो भिक्षा लेने के लिए दरबार पे बैठे ऐसे भी भक्त पहुंचते हैं। भाई ये बोलिए सच्चे दरबार की, एक बार मैं जा रहा हूँ क्योंकि झांकी रैली गणेश भगवान तैयार है आपके सामने आने के लिए। एक बार पूरी ईमानदारी से एक हाथ गणेश भगवान के लिए और एक बार एक हाथ शंकर पार्वती के लिए। बोला हर 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 बोले गणेश भगवान की, बोले सियावर राम चंद्र की, सच्चे दरबार की, बोले भक्तों के प्यार की, बोले मिंटू सरदार की। मिंटू सरदार की भी जय। बहुत मगन हो गए भाई, एक बार ताली बजा लो अपने लिए। आइए भैया हम चल रहे हैं, तो कहोगे कि माइक नहीं छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं भैया बिस्तर लिए। आइए परमादरणीय पिंटू भैया।